देखिए बोथ मीडियम्स बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में. अगर आप बात करें तो टाइम इज़ द एसेंस, इतना मुश्किल हो जाता है. आप लोग कैमरे के पीछे हैं, जितने भी लोग इतनी मेहनत करते हैं उतनी हम एक्टर्स थोड़ी कम करते हैं आपसे, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है यू नो इन बिटवीन टेक्स एंड एवरीथिंग. बट प्रोडक्शन आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. जी सी, मेरे लिए सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट और रिस्पेक्ट जो मुझे एकता कपूर ने दी है, यू नो उनकी प्रोडक्शन में, मुझे नहीं लगता मैंने इतनी प्रोडक्शन में किसी के इन्जॉय किया हो एज एन एक्टर. जहाँ आप एक एक्टर को एक वो रिस्पेक्ट देते हैं जो इट्स क्लोज टू सेकेंड टू नथिंग, यू नो. तो मुझे आई एम रियली ग्रेटफुल टू एकता कपूर टू मेकिंग सच डायनेमिक सिनेमा. अभी अगर आप अज़हर की बात करें तो वहाँ पे आई वॉज नॉट कन्विंस विद द कैरेक्टर, बट शी वॉज एंड इट जस्ट पैंड आउट सो वेल. और सेम चीज़ अभी ये उनके साथ वेब सीरीज़ कर रहे हैं. तो एक्चुअली अगर मैं अपने परफॉर्मेंस से एकता कपूर को कुछ गिफ्ट दे पाऊँ और अब वो मुझे अप्रिशिएट कर पाए, आई शुड बी गिफ्टिंग हर एनीथिंग. शी कांट रियली गिफ्ट मी एनीथिंग बिकॉज सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि वो इतना अच्छा कंटेंट बना रही है. हक से लिटिल वुमेन की कहानी है, लुइजिया एलकॉट बुक से इंस्पायर्ड है. तो मुझे बहुत सारी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर बायोपिक मैंने चूज़ की है, अभी इंस्पायर्ड स्टोरीज़ कर रहा हूँ मैं, एक फिल्म भी कर रहा हूँ जो इंस्पायर्ड है कोई सिचुएशंस पे. तो मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी ऑडियंस के लिए भी आई थिंक कहीं ना कहीं व्हेन यू रीड इट थोड़ा रियल हो जाता है, क्योंकि मैं जब अपनी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ एकदम ऑडियंस की तरह ही पढ़ता हूँ. एंड द काइंड ऑफ सिनेमा दैट यू सीन, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई हैव डन, 24 हो जाए, अज़हर हो जाए, अब ये हो जाए, इट्स वेरी रियल. तो और प्लस बिलीवेबल कैरेक्टर्स मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ अ एज. लाइव लोकेशन ऐसा है कि जो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है तो वैसे ही, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने हम लोग ने वो टीवी वाला सेटअप नहीं रखा, बिकॉज वो लुक को किल कर देगा. और हमारे डायरेक्टर वैसे भी फिल्म से जाने जाते हैं, वेब सीरीज से जाने जाते हैं, केन घोष. तो उनकी जो डिमांड थी, जो रिक्वेस्ट थी, तो ऑब्वियसली एक्टर्स को वैसे ही करना पड़ता है. तो हमारे लिए तो इतना मतलब कैमरे के आगे डाल दो और मेक बिलीव. सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा ड्यूरिंग द सीरीज, बिकॉज़ हम जिस तरह कश्मीर का जी करें, कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दिखाया गया, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या? द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, लोग इतने ब्यूटीफुल हैं, दिल के सच्चे हैं. जैसा यू नो हम लोग को न्यूज़ में दिखता है कि कश्मीर डरते हैं लोग जाने के लिए वहाँ पे, ऐसा अनफॉर्चुनेटली है. मुझे भी बुरा लगता है, हमें भी शूट स्केड्यूल हमारा यू नो थोड़ा बहुत टैम्पर करना पड़ा, कम करना पड़ा, तो थोड़ा दिल तो खट्टा हो ही जाता है. मगर हमारे जैसे लोगों की हमेशा सपोर्ट रहेगी उनको. एंड ब्यूटीफुल कश्मीर इज पैराडाइज. मेरी फेवरेट फिल्म है इश्क विश, वो भी जानते हैं. उनको मैंने कब से कितने सालों से परस्यू कर रहा हूँ कि यार मुझे ऐसी एक पिक्चर ला दो यार जो शायद कपूर को ला के दी थी, लेकिन ही इज़ गॉट मी समथिंग इवन बेटर. ही इज़ गॉट मी रघुवेंद्र थापर्स रोल एंड आई लव यू कैन फॉर दिस. जी जी अभी जो मैं किरदार निभा रहा हूँ टोनी डिसूजा की फिल्म में, दैट इज़ एन एक्शन थ्रिलर. तो वो आप मुझे थोड़ा यू नो सलमान भाई के इंस्पायर्ड वर्जन में शायद देख सके. नहीं, अब जो कह के नेवर इवन कम क्लोज टू सलमान भाई, बट एक्शन थ्रिलर है, आई एम प्लेइंग अ कॉप इन इट. उससे ज़्यादा क्या बताऊँ सर उसके बारे में. मुझे जो प्यार वेब सीरीज से मिला है, मैंने इसके पहले भी की थी, वो काफ़ी हिट थी गर्ल इन द सिटी. सो द ऑडियंस इज गॉड यार, आई मीन मेरी ऑडियंस, आई एम सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ माई ऑडियंस एंड आई लव यू गाइज फॉर दैट. तो जहाँ पे भी मुझे अच्छे किरदार मिलेंगे सर मैं करूँगा. वेब सीरीज़ है, टीवी है, फिलहाल मुझे टाइम नहीं है टीवी के लिए, क्योंकि उसका कमिटमेंट लंबा होता है और मैं दो वेब सीरीज़ और तीन फिल्म्स के बीच में जगल कर रहा हूँ. तो थैंक यू सर, थैंक यू सर. हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू. बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कल के ट्रेलर टीजर लॉन्च के बाद, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है पहले तो ये बताएं. आई एम नॉट टेरिबली कनेक्टेड टू यू नो दिस
फीडबैक, बट जो भी फीडबैक मुझे मिला है बहुत ही पॉजिटिव है. ट्रेलर इज़ सो ब्यूटिफुल, इतना अरेस्टिंग ट्रेलर है, एंड आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन प्रीटी फिनोमिनल. अभी आप जैसे कि आपने खुद ही कहा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो एक्चुअली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यू सी दैट इन सेड के पीपल आर कॉलिंग एंड पीपल आर सेइंग दैट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग वेरी इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग. सो या रिस्पॉन्स अभी तक तो बहुत अच्छा है. मैम आपकी कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए जो वेब सीरीज में आपके बारे में. सो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ राबिया मिर्ज़ा का, जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली है, माँ है बेटियों की, और जो घर है उसमें फादर इज़ नॉट अराउंड, फादर इज़ मिलिट्री डॉक्टर, तो वो ज़्यादा वक्त तक से साथ में रहते नहीं हैं. तो एक माँ की क्या स्ट्रगल्स होती हैं जब उसकी चार बेटियां हों और सोशल पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट हो वो ऐसा नहीं हो जहां पर लड़कियां अपनी सारी उम्मीदें सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें, तो ऐसे सिचुएशन में एक माँ कैसे अपने बच्चों को साथ रख के उनको स्ट्रेंथ दे के चलती है, दैट्स बेसिकली द एसेंस ऑफ दिस कैरेक्टर. आई एम प्लेइंग फातिमा, हु इज़ द आंट ऑफ दीज गर्ल्स. फातिमा इज़ द ऑपोजिट ऑफ राबिया. शी इज़ अ कम्प्लीट फ्री स्पिरिट जो सोसाइटल नॉर्म्स से बाउंड नहीं रहना चाहती है. She wants to break free from the conventions that hold her back, and her reason for this is also very solid. You know, she says that in Kashmir you can live or die the next day, so why are we living by the rules of society, because you don't even know if you're going to be alive the next day. So I want to live every day free, and the way that I want to live, I want to live out loud. So she is that kind of character. She's also very close to the girls. She has her own arc, which also, she's very fiery, free-spirited, and the arc that her character undergoes, you know, the wisdom that comes with living with your own choices, the impact that your own decisions have on you and on the people around you, the wisdom that comes with making those decisions and having to live with the repercussions of those decisions. It's a wonderful character, yeah. हमने देखा कि आपने जैसे कहा है कि आप मदर का रोल प्ले कर रहे हैं चारों लेडी के, तो आप जरा भी लगते तो नहीं है मैं, बट यू हैव टोल्ड इट्स बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, तो ऐसा स्क्रिप्ट में क्या था कि इसकी वजह से आपने हारे? मैं एक बात बताऊं, स्क्रिप्ट में जिस तरह से लिखा था वो ऐसी नहीं थी. स्क्रिप्ट में लिखा था थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी थकी हुई, थोड़ी सी बूढ़ी, और आई हैं ये ग्लैमरजॉन. थैंक यू सो मच. Yes, that is also one, honestly speaking, that is also one of the reason I chose this, because I wanted to be associated with Balaji's, and because I was a little, you know, iffy about playing a mother to, you know, not four, but मतलब बड़ी बड़ी उम्र की लड़कियाँ का. सो बट देन आई रियलाइज व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड नॉट रेड एक्चुअली माय प्रोड्यूसर्स दे नरेटेड इट टू मी एंड देन आई रेड फ्यू सीन्स एंड देन आई एक्चुअली विजुलाइज दैट हाउ दीज सीन्स वुड बी व्हेन इट्स शॉट प्रॉपरली एंड ऑफ कोर्स कैन घोष यू नो यू सो आई न्यू दैट एवरीथिंग फ्रॉम बालाजी to Ken Ghosh, to the script, everything is very nice. So that is a reason, yeah, those are the reason. But yeah, working with so Balaji was... So it's an achievement for you to work under the Balaji production? Yeah. Yeah, of course, it's a big production house. It's a very famous production house. They have made so many shows. They have made people, I mean, stars. So yeah, they have given so much to television, so much to our dadi, nani, bhabis, chachis, mamis to watch in the afternoons and late night. So yeah, yeah, of course, it is. The amazing thing I'll tell you about Balaji's own impact, I mean, they changed the face of television forever. Yeah. And now they are defining the web platform as well with completely different content. Mm. I mean, that in itself is remarkable. You know, their television content kind of redefined that landscape,
and now they're redefining the landscape of the web platform, of the digital medium, in the most radical way. And that is really remarkable. And I think it's wonderful as actors to be working actors at this time, you know, with platforms such as these, yeah. And you're one of the actors from our Bollywood that you have worked in all three platforms, a serial, movie, web series. So have you felt any difference between all three platforms, or which was your favorite? See, there are details and nuances that differ with every platform. The kind of stories you can tell, how much of a risk people are willing to take. Because ultimately, as much as it is about art, it is also about commerce, right? So how much of a risk people are willing to take, you know. And it's about how much hard work an actor has to put. Like, yeah, the yeah. one thing is an actor's experience certainly yeah. is very different. Film is, there are certain things that are required of you, the physicality, all of that, that are very hard. But otherwise, it's a much more cushy. The hours yeah, you work yeah. in television, my God, you yeah. know how much they dagrao you. Yeah. So there is that difference as a, in the experience of an actor, but otherwise, as you know, the content itself, I think television certainly is very, very different from films. It's just the nature of the beast. When you're putting out 5 episodes, 6 episodes a week, what quality yeah. is that going to be, that output, versus when someone has taken 1.5 years to create a project of 1.5 hours, and web series is. I think best brave of new medium. Better devil, should we say. Yeah, we've shot it like a film, yeah. but it's 10 episodes and told in this incredible way. The visuals are yeah. film quality. Film quality, yeah. yeah. How do you see a digital platform in the future? I think future ka kaise bata sakte hain, because you know, remember those laser discs or something, everyone was like, oh, this is the future. Ek saal mein gayab ho gaya. So nobody can predict the future. I think it is actually the medium of right now. Right now, this is a really powerful medium. Recently we have talked with a Ken Goh sir on interview. He have said that ek web series mein sare ladies ke saath kaam karna ye bahut bada achievement hai, ek sabhi ko ek jan frame mein lane mein. To aap kya kehna chahenge uske baare mein? यार ये तो फैक्ट है कि औरतें थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती हैं मर्दों से ज़्यादा. ये तो एक चीज़ मैं मान के हमेशा चलती हूँ एज अ वुमन, एंड दैट डजंट मीन आई एम एंटी विमेन और एंटी फेमिनिज्म और एनीथिंग, बट ठीक है, औरतों को ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है, वो ऐसे ही हैं. दैट्स द अट्रैक्शन ऑफ विमेन इज़. तो हाँ, इतनी सारी, और फिर एक तो औरत ऊपर से एक्टर, तो फिर वो मतलब 2 और 2 4 नहीं 8 हो जाते हैं. तो उन सबको हैंडल करना, और फिर जब आप एक आउटडोर पे जाते हैं ना, लंबे आउटडोर पे जाते हैं, तो एज एक्टर भी ह्यूमन बीइंग ही हैं सबको, मतलब कहीं और से तो बन के आए नहीं हैं. तो थोड़े दिन के बाद ना सब अपने घर को मिस करने लगते हैं, रेगुलर लाइफ को मिस करने लगते हैं. तो कोई थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ उसके मूड स्विंग्स होते हैं, हम सब के साथ होता है. तो उस चीज़ को अभी कौन ठीक कर सकता है या कौन बैलेंस कर सकता है, वो होता है एक डायरेक्टर. दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड कैप्टन ऑफ द शिप. सो द कैप्टन ऑफ दिस शिप वॉज अमेजिंग. कैन गोश वॉज अमेजिंग. वो मतलब हम सब लड़कियों, औरतों को ही नहीं, उन्होंने जिस तरह से पूरी यूनिट को का ख्याल रखा है, चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में, एंड इट वॉज कमेंडेबल. मैम, ये वेब सीरीज एंटरटेनमेंट के बावजूद एक अच्छा एक मैसेज भी दिया जा रहा है इसके बारे में, क्या एक औरत को बंद दरवाजे में नहीं रहना चाहिए, खुल के अपनी राय रखनी चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सी, ये हक से जो शो है वो ये नहीं, ये मतलब एसेंशली वो ये नहीं कहता कि औरतों को बंद दरवाज़ों में नहीं रखना चाहिए. उसमें ये दिखाया है कि कैसे औरत होके भी, जो कि कहा जाता है कि औरतें ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो इस फैमिली की जो औरतें हैं वो सब चीज़ें कर रही हैं, जो कि एज एन इंडियन सोसाइटी, आई एम नॉट इवन सेइंग कश्मीरी सोसाइटी, आई एम जस्ट सेइंग एज एन इंडियन सोसाइटी में वो चीज़ें औरतों के लिए टफ मानी जाती हैं, गलत मानी जाती हैं. तो उन सब, और क्योंकि वो कश्मीर में बेस्ड है, और कश्मीर में आप हम सबको पता है कि कैसी सिचुएशन है, तो उस जगह में रह के वो कैसे ये चीज़ें कर पाती हैं, वो मैसेज है एक्चुअली. About
about the message that you have given in the Netflix? The message, I think, is wo मैसेज जो है ना वो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से आया है. ऐसा नहीं है कि हमने हैमर किया हुआ है मैसेज 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 मैसेज. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑल वुमन फैमिली, सो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ मैसेज, यू नो, लिविंग लाइफ एज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन सर्कमस्टेंसेज एंड एन एनवायरनमेंट दैट इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर एनी वन, मैन और वुमन और एनिमल और व्हाटएवर, इज़ सर्टनली एन एक्सपीरियंस that is different from if it was an all male group. So the message has not been hammered, it's very subtly there, and the message is inclusivity, is openness, is allowing people, you know, to live as they choose to live rather than imposing a way of life on people. Okay, so lastly, what do you like to say to the viewers about your answers? Watch Hakse. Watch Hakse. Watch. Mid-Feb, we've been told. Mid-Feb on Alt Balaji. Please watch it. Yeah. I think if you watch it, you're really going to going enjoy to love it. It, yeah. क्यों देखूं मैं? क्यों देखूं? Big Boss वाले मुझे पैसे दे रहे हैं. फिर? सिमोन देखती है, सिमोन को पैसे मिलते हैं, बस देख लो. आप देखते हैं? और क्या, ये मुझे पूरी कहानी सुना रही थी बिग बॉस की. मैम कौन जीतेगा? मैं कहानी पूछ रही थी बिग बॉस की और इन्होंने बताया मुझे, तो अभी मुझे सब कुछ पता चल जाएगा. मुझे लगता है सलमान खान जीतेंगे इस बार. ओह, वो तो मुझे पता ही नहीं कौन है. आपको क्या लगा, आपकी फेवरेट कोई? अरे मैं देखती ही नहीं हूँ. कमेंट्स बहुत अच्छे हैं एंड एक कमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम पीपल जैसे आई मीन रितेश देशमुख एंड जिनीलिया वेरी स्वीटली ट्वीटेड दे सॉ द ट्रेलर एंड दे हैड ब्यूटिफुल थिंग्स सो थैंक यू गाइज. साथ में राज नायक एंड स्नेहा रजानी हु have their background. Well, Raj is still the big boss at Colors. Sneha was at Sony TV. So, you know, getting comments from film people, television people, my friends, all my other producers, the response has been unanimously fantastic. Okay. Darshan, Hakse, what is all about Hakse? So, Hakse is a beautiful journey hai in char behno ki. उनका जो स्ट्रगल्स होते हैं टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू, तो दैट इज़ व्हाट हक्से इज़ अबाउट. सो आपके माइंड में कब आया था हक्से कश्मीर में ही शूट करना चाहिए या अदर लोकेशन में? तो इस प्रोजेक्ट में आई केम इन एट अ लेटर स्टेज जब स्क्रिप्टिंग एंड मोस्ट ऑफ द कास्टिंग वाज ऑलरेडी डन, तो इट वाज ऑलरेडी सेट इन कश्मीर एंड आई अग्रीड बिकॉज जो ओरिजिनल स्टोरी है लिटिल वेमेन का बैकड्रॉप का टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर देयर. वन इज इट इज़ अ कोल्ड प्लेस, तो वाई इट्स कोल्ड बिकॉज जब बाहर इफ द वेदर इज कोल्ड अ फैमिली देन कम्स टुगेदर टू क्रिएट वॉर्म्थ, तो दैट वॉज ब्यूटिफुल वेरी नाइसली, यू नो, इट वॉज अ लेयर, यू नो, अ फैमिली वॉर्म्थ इन एन एरिया विच इज़ कोल्ड. वन टू इज लिटिल वेमेन इज सेट अगेंस्ट द अमेरिकन सिविल वॉर, तो वी नीडेड अ प्लेस दैट हैड दिस कॉन्स्टेंट टेंशन, तो माहौल में टेंशन है एंड कश्मीर हैड दैट. सो यू हैव डायरेक्टेड अ फिल्म नाउ द वेब सीरीज, सो डू यू हैव फील्ड एनी डिफरेंस बिटवीन वेब सीरीज एंड अ फिल्म? वेब सीरीज और फिल्म में एक मेजर डिफरेंस होता है वो राइटिंग में डिफरेंस होता है बिकॉज फिल्म में एक इंटरवल होता है, वेब सीरीज में हर एपिसोड के बाद एक्चुअली एक इंटरवल है, सो यू हैव टू राइट मोर इंटरवल्स. बट शूटिंग के दौरान तो आई मीन एज शूटिंग वी हैव अप्रोच्ड इट शूटिंग इट लाइक अ फिल्म. सो व्हिच वन पार्ट यू हैव एंजॉयड द मोस्ट, अ वेब सीरीज और अ फिल्म? बोथ आर फन. क्या यू कैन हैव एज मच फन शूटिंग अ फिल्म एज अ वेब सीरीज, इट इज द फन दैट यू हैव व्हाइल मेकिंग इट. मेरा हमेशा ये मानना है कि फाइनल प्रोडक्ट का जो फेट होगा, जो यू नो वेदर इट विल बी अ हिट और अ फ्लॉप, उसमें दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर, बट एटलीस्ट जब शूटिंग कर रहे हो उस प्रोसीजर द प्रोसेस शुड बी फन. ओके, तो कश्मीर में आपको
कश्मीर के बारे में, मीन्स कश्मीर बैकग्राउंड में शूट किया गया है और उसके वहाँ पर जो सिचुएशन चल रहे हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए कि ये फिल्म शूट किया गया है, क्या फाइन लाइंस, क्या कोई कॉन्ट्रोवर्सी या किसी को ठेस ना पहुँचे? नहीं, ऐसा देखिए, दिस इज मोर अ स्टोरी ऑफ द फोर सिस्टर्स, तो एक इमोशनल फैमिली स्टोरी है. कश्मीर और कश्मीर, द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर एक बैकड्रॉप है, तो इट इज़, वी आर नॉट मेकिंग कमेंट्स के ये दिस इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट और दैट इज़ रॉन्ग. आर जर्नी इज़ अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर, वॉट दे गो थ्रू, यू नो, द पीपल हु वॉन्ट टू लिव अ फुल लाइफ एंड अ प्रॉपर लाइफ एंड अ फैमिली ऑफ फोर गर्ल्स एंड अ मदर, वॉट दे गो थ्रू. सो हाउ यू सी द डिजिटलाइजेशन? Like I said, I keep saying future नहीं है, present है, it's already here. Digital is here to stay and yeah, it's here now, हो गया. Okay, सब सार्कास्टिक है, कैसे लगा शूट के? Basically देखा है तो सभी girls है, तो इतना मुश्किल था क्योंकि हमने अभी जस्ट बात की कि बहुत ही fun था. Yeah. इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए. तो little women के ऊपर based है, so I'm जाहिर है कि there will be lot of women on the set. तो आई थिंक मेरे लिए, आई थिंक द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट वॉज वैन वन डे सिमोन टर्न टू मी एंड सेड के कैन यू आर एन ऑनररी गर्ल नाउ, सो आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. ओके सर, लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज वेब में आने? आई विल से कि प्लीज़ वॉच हक से वेन एवर इट कम्स ऑन ऑल्ट बालाजी. थैंक यू. थैंक यू. आरी आदि 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 पारुल पावेल आंचल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कल के टीजर के बाद. थैंक यू. आपने देखा? अच्छा लगा. अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू. तो कैसे कैसे रिस्पांस और कमेंट्स मिल रहे हैं वो पहले जाना चाहिए. मुझे आपसे, मुझे तो अभी आप ही लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, विच इज़ ओवरवेलमिंग, विच इज़ डैम नाइस. आप लोगों को अच्छा लगा तो आई थिंक होपफुली बाकी सबको भी अच्छा लगेगा. एंड हाँ, और ये मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, ये लोग बहुत एक्टिव हैं तो ये ज़्यादा बता पाएंगे. बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, पीपल आर रियली लविंग इट एंड आई एम रियली श्योर दैट एवरीबडी इज गोना वॉच इट मोर एंड दे गोना लव इट इवन मोर. I am quite active on my social media and on my Twitter. I'm just receiving so many tweets. People have retweeted, and some people, those who are not even there on my Twitter or my social media, they've messaged me from some place. Today morning I woke up with so many messages, so it feels great. So thank you guys for watching it. Thank you so much. Okay, सबसे पहले आप तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहिए जो आप प्ले कर रहे हैं. मैं जर्नलिस्ट का किरदार प्ले कर रही हूँ. यस. और वो एक प्रोवोकेटिव ब्लॉग लिखती है. उधर देखिए. हाँ, वो प्रोवोकेटिव ब्लॉग लिखती है, उसका नाम है जन्नत मिर्ज़ा, जिसे जन्नत जान भी बोलते हैं, जन्नत जहन्नुम भी बोलते हैं. ही इज़ प्लेइंग माई बेस्ट फ्रेंड इन द शो. सो कैसे वो अपने जो भी ओपिनियंस हैं, कुछ भी अगर कुछ गलत होता है, शी इज़ फाइटिंग फॉर द वुमेन, for the identity of women and the identity of Kashmir, and for her it's just that one thing where she keeps the balance of her family and her work. So she is always creating some tehelka with her writing all the time, and he'll tell me. I think main tere bare mein baat karta hu, tu mere bare mein baat kar, main kyunki main apne bare mein baat karke thak gaya tha. I don't mind. So I'll talk about your character. Okay, perfect. Theek hai. तो बानो जो है बहुत ही स्वीट इनोसेंट सी लड़की है. बानो मिर्ज़ा, बाहिरा मिर्ज़ा, इस शो में सिर्फ मैं उसको बाहिरा बुलाता हूँ. और सिंगर है, इसका एक बैंड है, बहुत बहुत ही अच्छे गाने बनाती हैं और गाती हैं. और ये अब किसी को पता नहीं था ये गाती है, सो इट्स अ डिस्कवरी कि ये गाना गाती है और मैं डिस्कवर करता हूँ. एंड इसका और बानो और अजी का बहुत एक इंटीमेट सा अच्छा सा कनेक्शन बनता है, विच इज़ डैम नाइस इन द शो. एंड बहुत ही खूबसूरत लड़की है, आप देख सकते हैं, और शो में ही बहुत खूबसूरत लग रही है. और शी इज़ वेरी काम, वेरी शाय टाइप ऑफ गर्ल, एंड विच शी इज़ नॉट इन रियल लाइफ. एंड बट शी इज़ yeah, it's a very lovable character. She's very innocent and very bacha like character that she has, and it's beautiful. That's sweet. So Azhi ka jo character hai, unka naam Tabish Azad hai.
तो जैसे ये मुझे बाहरा बुलाते हैं शो में सिर्फ ये, तो वैसे ही मैं इन्हें सिर्फ ताबिश बुलाती हूँ, नहीं तो बाकी सब लोग इन्हें अजी बुलाते हैं इन्हें। और ही इज़ हाउ जन्नत डिस्क्राइब्स अजी इज़ द फ्रेंडली नेबरहुड बम एंड दैट इज़ वॉट ताबिश आज़ाद इज़ एक्चुअली। एंड इन बानोज लाइफ तो ही होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस बिकॉज ये उसके गायकी को बहुत बढ़ावा देते हैं, जिससे उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड वो बहुत एक बहुत प्योर रिलेशनशिप है इन दोनों का, एंड एक बहुत प्योर रिलेशनशिप है इन दोनों का। और अजी इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर विच इज़ of this guy who is also very opinionated, and you know he also, it's not like ki hum sab ladkiyan hi opinionated hain aur apni struggles hain. Azhi also has his own struggles in the series and how he deals with them you will get to watch in Haksa. आप निजी जिंदगी में कैसे अपना किरदार दिखाते हैं, मींस अभी इसमें आप बबली रोल प्ले कर रहे हैं, आप निजी जिंदगी में कैसे? नहीं बबली तो मतलब बबली तो शो में बिल्कुल बबली नहीं है, नहीं बहुत शांत है बानो, बहुत इंट्रोवर्टिश है एंड शी लाइक्स टू बी इन हर ओन सेल्फ। अगर उसे कोई चीज़ें नहीं भी पसंद आती हैं तो वो अपने तक रखती है, उसका बड़ा इशू नहीं बनाती है, अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आपकी नीच, नीच हाँ आई एम जस्ट कमिंग टू दैट ना, बट इन माई लाइफ आई एम अ वेरी हाइपर पर्सन, आई लाइक टू मेक एन इशू आउट ऑफ थिंग्स एंड आई एम वेरी इम्पेशेंट, बट बानो इज द कम्प्लीट ऑपोजिट ऑफ दैट। मैं वैसे ही नॉन सीरियस हूँ, नथिंग नहीं, ये कैरेक्टर बहुत नॉन सीरियस है और बहुत ही बचकानी हरकतें करता रहता है, बहुत ही इम्पल्सिव है, कुछ भी कर देता है, सोचता नहीं है कुछ करने से पहले। पर मैं रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, विच इज़ अ वीकनेस ऑफ माइंड, आई थिंक लॉट एंड या, बट इट्स अ फन कैरेक्टर टू प्ले बिकॉज यू आर नॉट इनिबिटेड एट ऑल, आप यू कैन हैव फन विद दिस कैरेक्टर, एवरी वन रियल रिलेट टू दिस कैरेक्टर बिकॉज कभी ना कभी कहीं ना कहीं एवरी गाय हैज़ बिन अजी और विल बी अजी, यू विल बी अजी और बिन अजी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट्स अ वेरी वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर। जन्नत जो है वो बाकी बहनों से थोड़ी अलग है, वो थोड़ी खुराफाती किस्म की लड़की है, शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, पर उसका होता है काफ़ी इम्पल्सिव, मतलब अभी ये सुन लिया किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया, मतलब कैसे, शी इज़ समवन हु इज़ केपेबल ऑफ ट्वीटिंग डायरेक्टली टू द CM ऑफ द स्टेट एंड देन गोइंग अहेड एंड राइटिंग अ ब्लॉग अबाउट इट, एंड शी इज़ वेरी फियर्स। सो वन थिंग दैट आई रिलेट फ्रॉम हर इज़ दैट आई एम ऑल्सो वेरी इम्पल्सिव, आई जस्ट डोंट, आई टेक क्विक डिसीजन एंड इम्पल्सिव डिसीजन विच आई रिग्रेट, बट जन्नत डजंट रिग्रेट इट, शी सेज दैट इफ आई डिड इट शी ओन्स इट, I sometimes do because I'm made of mistakes. Okay, Ken Gose हमने अब बात की है तो उन्होंने कहा कि अब एक फ्रेम में लाना एक इतने सारे लेडीज़ को एक अचीवमेंट है और सभी के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बहुत मस्ती थी, बहुत ही अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, कितना परेशान किया आपने शुरू करें, Ken Gose को बहुत परेशान किया, Ken Gose ने परेशान किया, Ken Gose ने परेशान किया बिकॉज Ken बन चुके थे हमारे साथ, बिकॉज Ken Gose एक 16 साल का लड़का है जो लड़की बन गया था ये शो बनाते बनाते, he's like a little child and he'll always remain a child, it's fun working with him because he's so full of life and he's just young, he's not like, he's younger than us I think in terms of, and he was the one who was doing more masti on the show and which hum karte like we had to tell him ki sir kuch kaam kar le please, ha literally sir aaj thoda sa shooting kar lete hain, thodi si shooting kar lete hain, ki Ken Gose ka aisa kehna tha ki kitty party ka mahol ho jata tha, wahi kar rahe the kitty party, wo karte the wahi kitty nikalte the aur party karte the, wahi kitty karte the, kitty nikalte the wahi, ओके वेब सीरीज के थ्रू आप एक अच्छा मैसेज भी दिया जा रहा है जो कश्मीर में जो चल रहा है इश्यूज, और ऐसा भी अगर कहा जाए कि वुमेन ओरिएंटेड दिखा जाए ये वेब सीरीज है, क्योंकि बंद दरवाजे में नहीं रहना चाहिए वुमेन को, अपनी ओपिनियन खुल के रखनी चाहिए, बंद दरवाजे में की हुई बात बहुत हो गई, दबी आवाजों में बातें, बंद दरवाजे में, बंद दरवाजे, सॉरी कंप्लीटेड व्हाट यू सेड नाउ, हां सॉरी, हां व्हाट वर यू सेइंग, मैम का ही डायलॉग है जी, हां थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो थॉट प्रोसेस है जो रखी गई वेब सीरीज,
विच इज़ वेरी राइट बिकॉज हम मेट्रो सिटीज़ में तो ऐसे हैं, हम लड़कियाँ बहुत खुल के अपने अपने ओपिनियंस शेयर कर पाती हैं, लेकिन छोटे शहरों में दबाई जाती हैं बातें कि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं बोल सकती, तुम लड़की हो तो तुम ऐसे नहीं चल सकती, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, और फिर आप सोसाइटी के उसमें ढल जाते हो और फिर वो बन जाते हो जो कि आप एक्चुअली नहीं हो. सो वो जन्नत और इस वेब सीरीज़ से हम यही कहना चाहते हैं कि no matter where you are, you have to voice your opinion, you have to say what you feel, क्योंकि नहीं तो आप पता नहीं किसने शुरू किया था कि लड़कियां ऐसे करती हैं, जिसने भी जो बहुत सदियों पहले शुरू किया था कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, मुझे वो इंसान मिल जाए कहीं पे, बिकॉज बैक इन टाइम या आई सो वांट टू, क्योंकि वो एक मेंटालिटी, लेकिन अभी बदल रहे हैं, हम सब बदल चुके हैं, हम सब ऐसा नहीं सोचते हैं, हम सब काफ़ी हद तक पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि दोनों को इक्वल देना, उसमें ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ की आप अगर किसी को नीचे दिखाओगे उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा. सो इस वेब सीरीज से हम यही एक मैसेज लाना चाहते हैं कि हर किसी को अपना ओपिनियन वॉइस करना चाहिए, और छोटे शहरों में आई होप जब ये लोग देखें उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले उन्हें. आई थिंक शी इज़ रियली ब्यूटिफुली कवर्ड जो भी पॉइंट्स थे. कॉपी पेस्ट. नो बट ऑनेस्टली इट्स नॉट जस्ट कश्मीर एंड द वुमेन लिविंग इन कश्मीर, जो भी जहाँ पे भी लोग हैं, नॉट जस्ट वुमेन एक्चुअली, मैन ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, एंड इट्स जस्ट इन आर ओपिनियन हमें लगता है कि वुमेन ऑब्वियसली दे ऑल्सो डू, बट एवरी वन हैज़ देयर ओन स्ट्रगल एंड ईच डे वेदर इट्स स्मॉल और दे आर बिग स्ट्रगल्स, दे नो वट दे आर गोइंग थ्रू एंड दे नीड द स्ट्रेंथ टू गेट ओवर इट, गेट थ्रू विद इट. सो हक्से जस्ट ट्राइज टू, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप एंड द प्रॉब्लम इज मच लार्जर, बट आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हर एक बंदा इससे रिलेट करेगा, और जो किसी को थोड़ी सी हिम्मत भी मिल जाए इस शो से टू डील विद वट एवर दे आर डूइंग, आई थिंक वी ऑल अचीव वॉट वी वॉन्टेड टू. रिसेंटली मैम बहुत सारे न्यूज़ में मीन्स कॉलम्स में लिखा गया, तो आप एकता कपूर की नीज है इसलिए आपको इजीली ये रोल नीज है. नहीं, इसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें क्लेरिफाई हो गया, बट आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? कि मैंने बहुत ऑडिशंस दिए हैं, मतलब उन्होंने मेरे ऑडिशंस रिजेक्ट किए हैं, अगर कुछ होता ऐसा तो मतलब मैं कब की कहानी निकल गई होती. सो इट्स अ स्ट्रगल फॉर एवरीबडी, वेदर यू आर रिलेटेड यू आर नॉट रिलेटेड, आप में टैलेंट होगा तो आपको काम मिलेगा, नहीं तो आप घर पे बैठने वाले हो. तो इट डजेंट मैटर कि आप नीस हो कुछ भी हो, इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा मुझसे ब्लंट हैं, बहुत फ्रैंक हैं, कभी उन्होंने मेरी एक्टिंग की ऐसे तारीफ नहीं की. Actually, है the closer you are to your family, you know, they're the more, like my parents also very critical of me. So it becomes like that. And it's good कि कोई है ऐसा बंदा जो आपको मतलब आपके मुंह पे बोल दे कि नहीं ये नहीं कर सकते, तो जो उन्होंने मेरे साथ किया है, जो उन्होंने कल भी बोला कि काफ़ी ऑडिशंस उन्होंने खुद रिजेक्ट किए हैं, ये किरदार उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, और जो तचवट अच्छी बात है, तो अभी मैं कर रही हूँ, अभी इसके आगे जो काम होगा वो भी बोलेगा. देखने के बाद मैम ने कुछ कमेंट किया है? नहीं, ऐसा कोई कमेंट नहीं होता है, और ऐसा माय फैमिली इज़ तो वेरी हैप्पी कि मैं कुछ इतना अच्छा काम कर रही हूँ, एंड नो स्पेशल कमेंट्स. इट्स लाइक कि अगर आपको जैसे कोई और प्रोड्यूसर भी कास्ट करे या कोई भी कास्ट करे, तो कोई आपको ऐसे फ़ोन कॉल ऐसा मैजिकल नहीं आता कि वाओ वेरी गुड, आपको बस बोलते हैं कि आप कर रहे हो शो, जो इन इट सेल्फ इज़ अ बिग थिंग फॉर एन एक्टर, और वो उनसे आया उससे बड़ी बात क्या होती है. Okay. No, because compliment is that we're doing this. Yeah, that is. And it's she and Manorama and Ken, everyone thought that we could do this. That's the biggest compliment, and they're satisfied with what we're doing. And I hope the people who are watching it like it as much as Ken or Ekta or Manorama or we all liked it. The audience so needs to. So that's it. That's the biggest compliment. Yeah. I mean. Okay. After digitalization, how do you see the digital platform? Sorry, how? A digital platform. Yeah. How do you see it? How do I see it? मुझे लगता है मैंने एकता मैम का एक इंटरव्यू देखा था, एंड आई वॉज लाइक दिस वुमन इज़ गोना रूल द डिजिटल नेटवर्क, बिकॉज जिस तरीके से नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, वो उस यंग जनरेशन के लिए है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग के लिए जो कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, उनके लिए क्या है, ऑल्ट बालाजी है उनके लिए. सो दिस प्लेटफॉर्म दैट हैज़ कम एंड आई एम सो ग्लैड इट हैज़, एंड हाउ डिजिटल मार्केट इज़ टेकिंग ओवर, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि हम सब अब फिल्में देखने तो जा नहीं रहे हैं लोग, इतने हम सबको पता है कितने नहीं, मैं जाता हूं फिल्म देखने, नहीं
ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, आम लोग नहीं जा रहे हैं, आम जनता नहीं जा रही है, हम फिल्मों में इसलिए हम चले जाते हैं बिकॉज दैट्स द लव वी हैव फॉर सिनेमा. बट नॉर्मली पीपल बिकॉज उन्हें पता है 20 दिन में अभी टी वी पर आ जाएगी और फ़ोन पर आ जाए तो और भी बेटर है, फ़ोन पर देखने को मिल जाएगी हमें फिल्में. सो वो डिजिटल थिंग इट्स वेरी गुड इन अ वे. ऑल्सो इट्स गुड दैट हूएवर आई नो राइट नाउ इज़ वर्किंग. That is so great because digital platform आ गया है, हर किसी के लिए कोई ना कोई काम है क्योंकि हर कोई digital shows बना रहा है और वो सबके लिए available है, सब देख सकते हैं. So I think this is great. और जो independent filmmakers हैं उन सबको भी मौका मिल रहा है यहाँ पर कि और सेंसर कम है और भी काफ़ी फ़ायदे हैं digital platform के. So I'm तो very happy, it's my first web show and it's happening at the right time. ओके, तो एक एक मेमोरी आप अगर शेयर करना चाहे टू आउट दी जर्नी ये वेब सीरीज की, एक कोई अपनी अपनी एक एक. वाओ, हम मनाली में काफ़ी दिन तक थे. सो वन मेमोरी दैट आई विल ऑलवेज हैव इज दैट बिकॉज वी गॉट टू स्पेंड सो मच टाइम. व्हाट डू यू वांट? वन मेमोरी, वन थिंग दैट आई लर्नड अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि हमें वहाँ पे चाहे हम थे सबके साथ लेकिन हम वापस अपने कमरे में अकेले ही जाते थे. सो आई गॉट टू लर्न सो मच अबाउट माई सेल्फ, हाउ आई एम एंड आई एम अवे फॉर सो लॉन्ग एंड सो इट वॉज लिटिल डिफरेंट. यू आर नॉट इन योर ओन सिटी, आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली वहाँ पे नहीं है. एंड आई लर्न सो मच अबाउट माई सेल्फ बाई जस्ट बींग देयर फॉर 36 डेज एंड नो आई स्टार्ट टॉकिंग टू माउंटेन्स एंड आई रियलाइज आई एम गोइंग मेंटल. सो आई नेम्ड देम, मेरी विंडो के बाहर तीन बड़े पहाड़ थे, मैं उनसे बातें किया करती थी लाइक दैट हाउ मच आई वॉन्टेड टू गेट आउट. बट काम है, करना पड़ता है. आप कुछ नहीं कहने वाले, उन पहाड़ों से पूछ लो मुझे तीन क्या ना, एक से नहीं, नाम क्या थे? नेम्स आर वेरी साइक्लोपैम. व्हाट? इट्स अ टैबलेट बिकॉज आई वाज एंड देन अ स्मॉल वन आई नेम्ड हिम साइको एंड देन द अदर वन वाज द थ्री माउंटेन्स आर सर्विंग यू एंड निकी. I was in any mountain, no? Okay. No, no. They were just the mountains I would talk to every morning. मैं वो इंसान बन गई जो पहाड़ों से और नदी से बातें किया करती थी. मैं भी बात करता था, मतलब. नहीं, मेरे कमरे के बाहर झरना जा रहा था. मेरी मेमोरी पूछ लो यार, ये लोग को कुछ नहीं पता. मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं और मेरे को बहुत मजा आया पूरे शूट पे. I'm gonna remember a lot of it. But my most favorite is the times, both the songs that I have actually shot in the series. I enjoyed shooting them a lot. मेरे को बहुत मज़ा आता था जब उसकी शूटिंग होती थी. गानों की शूटिंग करना मेरा ड्रीम था हमेशा से कि गाने गाने, और वो मैंने किया है एंड वो मैंने किया है. जितने भी डब स्मैशेस से सारे काम आ गए. सो दैट ओके. लास्टली दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मिड फेब में आ रही है. मिड फेब में पता नहीं पर फेब में आ रही है. गो वॉच हक्से ऑन ऑल्ट बालाजी. यू गाइस आर गोना रियली लाइक इट. आई होप यू गाइस रियली लाइक इट. और ट्रेलर अगर आप नहीं देखा तो पहले ट्रेलर देखो जल्दी से. एंड इट्स अ रियली गुड ट्रेलर एंड यू विल लाइक द शो एंड गिव इट अ ट्राई. और हमें बताना कैसा. और जिन्होंने ट्रेलर देख लिया सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. एंड इट्स कमिंग सून. इट्स फॉर एवरी वन, फॉर यंग पीपल, फॉर फैमिली, फॉर यू कैन वॉच विद एवरी वन द शो. सो इट हैज something for everyone and download the app, subscribe and watch Hakse. Watch Hakse on All Balaji. In February. Yeah. Okay. See you. Okay. Thank you. Thank you so much. It's me. God will not punish you. It's okay. You're doing it for the right cause. That's what matters. You're cutting my light. Dude, please sit back. No, this is side light. It's important. Okay, my DOP is not there, no, to take care of it. Good cutter. That's a key light. That's my key light. These that's are all. Fill. These are all. Fill. Chalo bhai, sabka roll. Sunil ji, aap ready?
Absolutely. Okay, तो हमने सबसे पहले तो congratulation हक से हमने देखा कि trailer बहुत ही awesome है. अच्छा लगा आप लोगों को? तो कैसा रहा experience? क्योंकि हमने देखा 4-5 girls की story हमें जो देखने को मिली है. कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई लड़कियों के बीच में. हमने तो ट्रेलर में देखा था. लड़कियों की के बीच में नहीं आई लड़ाई. नहीं, अमल एंड जन्नत फाइट ना, दे पुल ईच अदर. अरे वो तो मतलब बहनों के बीच सिबलिंग वॉर है. वो तो मतलब चलता है. बट इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी. आई थिंक बहुत ही खूबसूरत कहानी है. केन ने उम्मीदों से भी ऊपर की खूबसूरती से एग्जीक्यूट करी है. अनुभव बंसल जो यहाँ पर नहीं है, उनकी वजह से आप जो स्टनिंग विजुअल्स देख रहे हैं, आई मीन हैट्स ऑफ. ही इज़ डन सच अ फैब जॉब एंड इज़ लुकिंग द वे इट्स लुकिंग बिकॉज ही इज़ सो गुड एट इट. रेणुका एंड देविका जिन्होंने कहानी लिखी है, यू नो ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम इज़ वेल. क्योंकि केन ने मुझे जब फ़ोन किया इसके लिए, अरे भाई चुप कर जाओ थोड़ा सा. अच्छा वो सब सिस्टर साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं. ओह अच्छा. बानो, मेक सम नॉइज मैन. बानो, मेक सम नॉइज. सो केन ने ना मुझे चार एपिसोड भेजे सिर्फ. नहीं, फर्स्ट आई सेंट यू टू. हाँ सॉरी, ही टोल्ड मी कि ऐसे वी डूइंग अ डिजिटल शो. And I said okay. And I knew Ken had directed Dev Double Day. So what is he throwing at me? Is he throwing some sex at me? No, just joking. So, I was so taken aback by what I read in the first two episodes. And then maine Ken ko kaha ki Ken aap send me more. He by chance sent me only two more episodes. तो मैंने actually खाली चार episode पढ़े थे and I said one, two का four, yeah two का one. He was so smart. He knew चार episode तक I'll be in, लड़की in. So मैंने चार episode पढ़े and I was so moved by how well the script was written. And I said, Ken, I'm on. I didn't need it to read any further. मैंने पूरी कहानी ही नहीं पढ़ी थी. वो तो readings में बाद में जाके पढ़ी. So I think it's been a beautiful script for all of us to be a part of. The characters are etched individually so beautifully and how they intertwine is so beautifully done. मतलब खूबसूरत के अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए. And I think, I hope आप लोगों को trailer देख के यही महसूस हुआ होगा. And I really hope जब आप show देखेंगे तब भी आप यही और इससे कहीं ज़्यादा महसूस करेंगे अबाउट इट. व्हेन इट कम्स टू हॉलीवुड एक्टर्स, वेब सीरीज इज वेरी कॉमन ओवर देयर, बट इन बॉलीवुड थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लोग फील करते हैं. व्हाट डू यू थिंक? जैसे कि डिफरेंशिएशन एज इन लाइक बिग स्क्रीन, यू मीन दे लुक डाउन अपॉन इट? या कि अरे ये डिजिटल है. द पॉइंट इज दैट बिग स्टार्स दे हैव नॉट येट स्टार्टेड वर्किंग इन द वेब सीरीज. No, that even in Hollywood, the big stars don't. In fact, log digital karke aage badhe hain. Correct. It gives them that kind of exposure. They've done that kind of content which maybe shayad filmon ke liye feasible na ho, wo content. तो जब वो डिजिटल पे आता है उनकी रीच ज़्यादा होती है. इस तरीके के किरदार लिखे जाते हैं शायद फिल्मों में ना लिखे जा सकते हो. डिजिटल में उनको वो एक जरिया मिलता है वैसे किरदार करने का. एंड वंस यू गेट, यू नो वॉट, इट्स any actor, once you get that one role, that one right role, you can be picked up from whatever medium it is. It does not matter. It could be television, it could be digital, it could be theater. It is that one right role that can just take you to next level. So aap jin Hollywood actors ki baat kar rahe hain, in fact not just digital, most of them unhone apni journeys television se shuru kari hain. And today even in the west, George Clooney started with they television. Are bigger than the film stars, just so you know. I'm talking about the Hollywood actors. In Bollywood, still, ये अभी trend जो है उतना नहीं है जितना Hollywood में है. So, do you think that India में, Hollywood में ये trend जो है? Of course, there's so much scope. There is so much scope. I think, and I would like to give it to Alt Balaji because they're the only Indian, original Indian platform. Correct. जो ये चीज़ करना चाहते हैं. For example, to name a few, there is Netflix, it is not Indian. There is Amazon, it's not Indian. There are of course other platforms, but Alt Balaji is the most original platform for content to cater to every kind of an audience, not just an uber upper class audience. So I think
it's a great, great move and it's a great, great time for Alt Balaji, especially jis tarike ka wo log content present kar rahe hain. There is Hakse, there is Bose, there is Ragini. So, ab dekhiye platter pura bhara hua hai. There are different genres happening. Tell me what audience will not get hooked on. Ek ye type ka show mere liye hai, ye type ka show aapke liye hai, ye type ka show unke liye hai. So I think it's a great move and it has immense amount of scope in the times to come. I mean, in this web series, you are pair opposite Gary Khandelwal. You are working after one decade. Firstly, you are working Kaito Hoga. Right. Now you are working. Right. So how was the experience and have you seen any changes in Raju Khandelwal? Oh, when I did Kaito Hoga with him, Rajiv used to treat me like a teenager because I was a teenager. You were a teenager. Because I was a teenager. And of course, I couldn't speak to him the way I speak to him now. You know how it is when kids grow. I mean, I don't mean to say that he's a parent, but I just mean when kids grow older, aapka wo feeling of that gap reduces. So when you cross a certain age, that gap reduces, and that's what happened. Me and Rajiv talk differently now than what we Rajiv used to. Rajiv ji to, hey Rajiv. That time also I used to call him Rajiv only. He was cool, yeah. I mean, every girl had a crush on him then, every girl has a crush on him now. Where has he changed? He looks the same. Same, that's also true. So, but he's a great guy and he's a great co-actor to work with. He's very, very collaborative. Mm-hmm. Very generous as an actor, very giving as an actor, and you know sometimes मैं ऐसे awkward feel करती थी कि मैं राजीव को कुछ अगर you know एक अपनी तरफ से एक input एक suggestion about his own line I used to give him and so well he used to take it. So that's the beauty about being collaborative as actors, and Ken had a very very big role to play in that because most of us were like this. Am I right? 100%. Most of us were like this. Why the most? Correct. You are one of the actors from Bollywood that you have played, you have performed in all three platforms, serials, or movie, then web series. So do you think any difference between all three genres? I haven't done television, so I don't know how to. See, as an actor, camera on hoga, exactly. Aap ye wala camera on kijiye, ye wala cam on rakhi, camera on kijiye, 5D kijiye, iPhone kijiye, Samsung kijiye, Ari kijiye, Alexa kijiye, koi farak nahi hai. It's the genre that makes you do your job differently, not the medium. So there is absolutely no difference, chahe wo ek short film ho, chahe wo feature ho, chahe wo digital ho, chahe wo television, wo content pe depend karta. That goes to say a lot about the commitment of the actors. And so I've had the chance to work with lots of actors. I'm going to say something nice about you. Okay. So, ek hota hai, in acting, there's what I like to call. I can the, still hear you. I can't help it. Let me hear something nice. For actors, there's I like to call it, there's the art and the craft. The art is something which is talent. Okay. I think you may learn it, but you'll never truly get it unless you're born with it. And then there's a craft, which is the technique of acting. Sometimes I met actors who've got the art, but not the craft. Some who've got the craft very well, but they just don't work. There's a actress who has got both the art and the craft down of acting to a T. And that is this girl. Thank you. Do you have some reasons why you made Hakse a web series instead of going to I had no... Yeah. I came into the project much later. It was a ready-bound script. Half the casting had been done. I think my only contribution to the casting was Serene. Are you serious? Really? Ekta main ka yahi kehna tha ki jaise ye script hai pehla thought Serene ka hi naam tha to kya kehna chahenge aap? You know, like I say, Ekta has given me my first paycheck to actually go to that school called Balaji to learn. I will never forget that, and I say this to her whether we're chatting on message, and we never had a fallout. It was just that we lost touch, and sometimes that happens. But in my heart, there is deepest gratitude for that, for the brave woman, because I think I was atrocious in front of the camera in my test, and she gave me work in three. I was 3 days old in Bombay
and I got my first job when I had no background, no workshop done, no theater school, nothing. I didn't know anything about acting. I was virgin as an actor. So raw. मतलब मेरा accent भी पंजाबी होता था. अरे क्या कर रहे हो? ऐसे करके मैं बात करती थी, you know. I don't know what she saw in me, that she gave me such a break and then got my role to become parallel. And so I only and only have gratitude for her. And when this came and when Ken told me and then finally when Ekta finalized everything, oh my God, I cannot tell you, there was nostalgia. Matlab, you know, old time memories thi or... एक वर्किंग इन दैट एनवायरमेंट आपकी आंखों के सामने आ गया एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट एकता हैज़ द सेम ड्राइव एंड पैशन टुडे इट इज़ नॉट इट देर इज़ नो बायस टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और अनदर प्रोजेक्ट चाहे वो टी वी हो चाहे वो फिल्म हो चाहे शी इज़ ड्रिवन एंड पैशनेट अबाउट एवरी सिंगल थिंग दैट शी डज विच इज़ कमेंडेबल तो टू वर्क विद हर ऑब्वियसली इज़ अ प्लेजर एंड शी हैज़ नॉट चेंज्ड अ बिट You know, there is success and accomplishment and achievement for somebody like her. You're bound to change as a person. It takes a lot and it takes a lot of effort to keep yourself here. She is here and she's just passionate about nothing else but her work. Ma'am, Aul Balaji is such a black woman or web kaja jo Hindi language ko promote karte hai. Dusre jaise dekha jaye Netflix ho gaya, Amazon ho gaya. वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट कर सिर्फ ओनली अल पाले जी जो हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके बारे में कहना चाहेंगे एकता मंडला जो ये आई थिंक सबसे पहली बात क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिनल इंडिया का ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज फोकस ऑन इंडियन कॉन्टेंट एंड अबाउट कॉन्टेंट मेड इन आर लैंग्वेज All that can happen later. जब Netflix ने शुरुआत करी थी उन्होंने सिर्फ अपना content promote किया था अपनी language में promote किया था And I think that's how it should become. I really, really wish and hope that Alt tomorrow in the near future reaches and becomes as big worldwide, which it will if they keep going the way they are going and they're on a roll right now with the content that they're giving. That tomorrow people come to them and say, please, we want our work to be on your platform. So, I think it's fair. Okay, Haq se aap ek acha message bhi de rahe hain kya har ek aurat jo Kashmir mein ho ya dusre bhi state mein jo ladki ho wo apni raaye khul ke rakhna chahiye band darwaze mein nahi rehna chahiye to jo message dena cha rahe wo uske bare mein thoda agar aap kehna chahe I think एक ओवरऑल मैसेज ये है हम लोगों के लिए एक्चुअली जो आपने बात कही ये कहना बहुत आसान है क्योंकि हम एक ऐसी अर्बन सोसाइटी में रहते हैं कश्मीर के लिए ये वो बात होगी कि आप अपने घर में रहते हैं लेकिन आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पूछना पड़ता है किसी और से आपका खुद का घर है आपकी खुद की मिट्टी है आपकी खुद की ज़मीन है लेकिन आपके पास परमिशन या राइट नहीं है या हक नहीं है अपने हिसाब से अपने घर को चलाने का तो I feel that firstly is very very unfair. ये कहना आसान है कि लड़कियों को खुल के बात करनी चाहिए ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसकी शुरुआत अभी हुई है एक वोल्केनो होता है ना अगर उससे लावा निकलता जाए धीरे धीरे तो शायद वो कभी इरप्ट नहीं होगा हम उस वोल्केनो की बात कर रहे हैं जो दबता आ रहा है तो एक ना एक दिन तो फूटेगा इरप्ट तो होगा लेकिन उसके लिए At the same time, there is a lot of support and understanding and educating the society and the men in the society is required. I understand sometimes in this whole flag bearing of feminism, women also go to certain extremes, which is not correct. It should just be limited to equality and not vindictiveness towards women, towards men. That is one part of it. But For me, I don't know, I could be wrong. Education plays such an important part. Today, as a parent, you're educated. Tomorrow, you're going to bring up your child like that and give them the upbringing that is going to make them the kind of boys or men who will tomorrow make sure they don't do what is being done to women today. So, there is not one point that I can... Can you say something? It's not only about education. It's more than education, it's awareness. Because there are a lot of educated people who are very regressive. Correct. Sometimes correct. They go backwards.
So I think it's more than education, it's about exposure to what the rest of the world is about, being able to inculcate the good qualities from there and keeping your strong core values also. Mm. Hmm. Yeah. I haven't read the novel. Yeah. Ken has read the novel. I haven't read the novel. Okay. So, who are those women you are talking about? From which society they belong to? You are talking that they are being suppressed and they are not allowed to just go. From every society globally, not just in our country. You are talking about Kashmir. Because we were talking about Huxley, so I was talking about Kashmir, but these are not Kashmir-centric issues or India-related issues. These are world-over issues. There is pay discrimination world-over. There is oppression of women world-over. What else? Every society in some way or the other is misogynistic, let's face it. Yeah. It is, to some extent. It is patriarchal. Okay, Sumit ji. आखिर ये कि केंद्र से भी हमने पूछा कि इसके अलावा फेब्रुअरी में जो है पीएम मोदी का बजट आने वाला है, तो कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं फिल्म इंडस्ट्री? मुझे अच्छी फीलिंग है बहुत इस बार प्राइम मिनिस्टर के बजट की, पता नहीं क्यों पर अच्छी फीलिंग है. कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ चाहती है? यार टैक्सेस कम कर दो यार प्लीज़ यार मोदी सर इफ़ यू आर लिसनिंग टैक्सेस कम कर दो प्लीज़. आप कितने बजे आए थे आज यहाँ पे? क्या देखा आपने तब से लेके अब तक? बहुत ही मुश्किल से हम लोग बहुत वाहियात एटमॉस्फेयर था ना? राइट, वाहियात वाली मस्ती हो रही थी ना? ओहो, तो मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं है. तो वहाँ पे पूरा दिन हम लोग सेट पे एंटरटेन होते थे, एंटरटेन करते थे, और बीच में जब वक्त मिलता था तो थोड़ी शूटिंग करते थे. Alt Balaji पे this February, Huxley will be streaming at some point in February. देखना ना भूलिए Huxley, क्योंकि आपका हक बनता है Huxley जैसे शो को देखने का. Thank you. Sorry? One ID.